अजब चुनौती योगी तेरी, बरसों बरस तक यह राज रहे, जोर लगा ले जीवर कोई तो योगी की सरकार रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं माननीय आनंद साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। माननीय साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का स्वागत कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा आनंद साहू जी से कि आप अब अपनी बातों को रखें। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं और माननीय राधा मोहन सिंह जी जो दिल्ली से हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी इस पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी इस आज इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में उपलब्ध हैं यहाँ। मुझे लगता है भगवान सूर्य गौ माता के बहुत ही पावन धरती और जो पूज्य कार्य है उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हरी झंडी दिखा करके करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकल से वोकल का जो नारा दिया था और गांव से लेकर के देश में एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया था, उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो पशुपालन मत्स्य और डेयरी विभाग है जो पूर्व में हमारे आदरणीय राधा मोहन सिंह जी भी उस विभाग को देखते थे, उन्होंने ये अभियान दिया कि आप जाइए और अयोध्या का दीपोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर कमलों द्वारा ये 1,00,000 दिए जिसके अभी प्रतीकात्मक रूप से 11,000 अभी दिया इस वाहन में जो आया उसको यहाँ सुपुर्द कर रहे हैं और ताकि ये अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव के माध्यम से पूरे देश में रोजगार भी, पर्यावरण भी और एक जो भरोसा है एक प्रकृति के साथ जुड़ करके गौ माता का जो संरक्षण संवर्धन और उसके साथ जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है उसको कैसे पूज्य संतों ने इसको युगों युगों से संवारा है वो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह कार्य सुशोभित होने वाला है। हमें ये गौरव मिला है। राष्ट्रीय गोधन महासंघ के संयोजक आदरणीय भाई विजय खुराना जी ने कहा कि आनंद जी मैं 75 वर्ष की आयु हो गया है मेरा, मैं वर्षों से लगा हुआ हूँ, अब ये हाथ आपको दे रहा हूँ, इसको आगे ले जाइए और ये संघ विश्व हिंदू परिषद और सारे तमाम संगठन भाजपा सबका जो संकल्प और सपना है कि गाय घर घर पहुंचे और देश में उन्नति और प्रगति हो और उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है भगवान श्री राम की नगरी में उनके जन्म स्थल में वहां से प्रारंभ होकर के